प्राइमर पे से दो तीन सवाल उठते हैं मन में कि ये लोग जो फैक्ट्री चला रहे थे प्लास्टिक बैग की, कोई फैक्ट्री प्लास्टिक बैग बैग बनाने की, तो ये फर्स्टली इनका पास प्रॉपर लाइसेंसिंग थी, प्रॉपर परमिशन वगैरह था या नहीं, ये कोई इलीगली तो नहीं चल रहा था? अगर इलीगली चल रहा था, क्योंकि ये एरिया इतना कंजेस्टेड है, इतना कंजेस्टेड एरिया है, तो ये डेफिनेटली जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नजर, उनसे छुपा के नहीं काम हो सकते हैं। इस दर्दनाक हादसे में हम सबको छोड़कर गए, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो घायल हैं उनकी चिकित्सा ठीक प्रकार से हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और दिल्ली सरकार को विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जहाँ समस्याएँ हैं उनका शीघ्रता से समाधान करने का उपाय करें। मेरे ससुर साहब जिनका के नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन है, उसी फैक्ट्री में वो काम करते थे और वहीं पर रहना सहना सोना पड़ना भी उनका होता था। चलने से ही गांव में मातम छाया हुआ है, बस यही लोग समझ रहे हैं कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया कि मामला क्या है। हमें खुद पता नहीं चल रहा कि वो हैं भी या नहीं है। दिल जिस तरह घबरा रहा, लगता है कि शायद वो नहीं हो, या हो भी सकता है। ये सब होना चाहिए था लेकिन वो सबका उल्टा हुआ यहाँ पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों में काफी गुस्सा है, हम सुनते हैं। वो नियम सही से लागू हो जाते तो ये शायद हादसा ना होता, क्योंकि नीचे का तबका इसमें है, जो जहाँ से शुरू हुआ कि बिल्डिंगें बनी कैसे, कारखाने खुले कैसे, मशीनें कैसे लगी, इतना जबरदस्त ये सब है। हम आनंद के पास चलते हैं। आनंद, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि आप भी स्पॉट पर हैं, हम भी स्पॉट पर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है जो लोग जानकारी दे रहे हैं कि कई सारी अभी ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिनके बारे में प्रशासन को खबर तक नहीं है, और जो जिनकी मौत हुई है वो मजदूर तबका था, उनके रहने खाने उनकी व्यवस्था नहीं थी, काफी कम पैसे उनको मिलते थे। और क्या जानकारी इस बारे में आप हमसे साझा करना चाहेंगे? 12 बजे काम करा था, 2-2 बजे जी। देखिए, बिल्कुल, हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी के जो चेयरपर्सन है वो है जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आपने बोला कि घरेलू उद्योग लगाना कोई गुनाह नहीं है, कानूनन ही कोई जुर्म नहीं है, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, जरा ये बता दीजिए आप कि ये अगर ये फैक्ट्री चल रही थी तो क्या इसके बाद परमिशन थी, लाइसेंस ऑफिसर ने इसको परमिशन दी थी, एमसीडी से इसको क्लीयरेंस मिली थी, फायर की एनओसी मिली थी, क्या क्राइटेरिया होता है, जरा ये बताइए आप। घरेलू उद्योग चलाने के लिए पहले 5 किलोवाट और 5 आदमी काम कर सकते थे, लेकिन अभी जो नया कानून आया उसके हिसाब से 11 किलोवाट और 9 आदमी घरेलू उद्योग में काम कर सकते हैं, और उसके लिए उसको एमसीडी से लाइसेंस लेना होता है। ऑनलाइन आप लाइसेंस अप्लाई करो तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। तो घरेलू उद्योग छोटे छोटे जो लोग अपने घर में परिवार चलाने के लिए छोटे काम करते हैं उनके लिए एक सुविधा सरकार ने दे रखी है। दमकल विभाग की भी उसमें एनओसी बहुत जरूरी होती है, पुलिस क्लीयरेंस भी होना चाहिए, ये भी एक रूल है? नहीं, बिल्कुल, दमकल विभाग के पास भी जाना होता है, पुलिस क्लीयरेंस भी लेनी होती है, लेकिन घरेलू जो छोटे उद्योग होते हैं ये बड़े उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए क्लीयरेंस की जरूरत नहीं होती। छोटे उद्योगों के लिए तो आपको एनओसी, आपको सिर्फ पॉल्यूशन का एनओसी लेना होता है, वो आप जाओगे डीपीसी से मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा तो आप नहीं चलाते। तो जयप्रकाश जी, यहाँ पर जो 2 फ्लोर में चल रही थी जिस तरह से दमकल विभाग ने बताया है, वो क्या वैध थी या अवैध थी, क्या थी ये आप बताइए? अभी सारा ये रिहायशी क्षेत्र है, रिहायशी क्षेत्र के अंदर पुरानी दिल्ली के अंदर जगह जगह लोग नीचे अपना काम कर लेते हैं, लोग नीचे अपनी फैक्ट्री चला लेते हैं, ऊपर रहने लग जाते हैं, तो यहाँ लगभग सब जगह ऐसा ही है। अभी हम ये सारा जांच का विषय है। प्रकाश जी, ऐसा है नहीं, ये इससे जवाब नहीं होगा, अब ये बताइए कि क्या ये अवैध था या वैध था? अभी वैध अवैध तो सब जाँच का विषय है। अभी पहली बात है जो लोग घटना में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को संभालना, दूसरी बात है जो लोग अभी घायल हैं, जिनको जो घायल है, जो इंजर्ड है, उनको राहत देना, तीसरी बात है यहाँ का जनजीवन पटरी पाए, उसके बाद जो एजेंसी की जिम्मेदारी है उसको अपना काम करना पड़ेगा। जी, एक महत्वपूर्ण बात बोली कि जो लाइसेंस ऑफिसर होती है उनकी जिम्मेदारी होती है वो जगह जगह अपने इलाके में देखे क्या काम हो रहा है, कहाँ घरों में फैक्ट्रियां चल रही है, वो फैक्ट्रियां लीगल है या इनलीगल है, उन्हें क्लीयरेंस मिली या नहीं मिली है, तो क्या आप कोई कार्रवाई अपने अधिकारियों पर करने वाले हैं या जो लाइसेंस ऑफिसर है उनसे इसमें पूछा गया है? हमारे एंड पे अगर कोई कमी होगी, हमारे अफसर के एंड पे कोई कमी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि जिम्मेदारी तो सबकी बनती है जब हम सरकारी एजेंसी में किसी भी दायित्व के ऊपर है, जब जनप्रतिनिधि है तो जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी का निवहन करते हुए आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटे, इसलिए सभी एजेंसियों को, सभी सरकारों को, उसमें चाहे दिल्ली सरकार है, उसमें चाहे नगर निगम है, सबको बैठ करके अपने अपने एंड पर लोगों को राहत देने का काम करना पड़ेगा, ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। साथ इस वक्त आरएफ हैं जो इस फैक्ट्री में काम कर चुके हैं पहले, उनके कई लोग अपने हैं जो फैक्ट्री में मौजूद थे और ये बता रहे हैं कि उस वक्त क्या होता था, किस तरीके से रात रात भर उनको काम करना पड़ता था, बताइए एक बार फिर। जी मैम, जब हम लोग वहाँ पे थे तो हमारी तो फैक्ट्री वहाँ से खाली हो गई, फिर नया फैक्ट्री आया होगा,
अब जानने वाला सब बगल में होते हैं ना, तो एक रूम में एक ही फैक्ट्री रहता है, तो पांच रूम है तो पांच फैक्ट्री पांच मालिक का है, तो बिल्डिंग मालिक किसी कोई और है, हम लोग तो खाली करके चले गए। अभी जो जानने वाले उसमें मेरे गांव के भी थे, बगल में कैब का काम करते थे, वो सब नहीं मिल रहे हैं। आपने कहाँ पता किया उनके बारे में? जाने नहीं दे रहे, एक लड़का मिला है ना तो उससे पूछे तो बोला हमारा मिल ही नहीं रहा है, कोई आदमी नहीं, छह आदमी जो है गायब है, हम अकेले बचे हुए, ऊपर जीना पर भाग रहे थे तो कुंडी लगा दिया है, अब नीचे एक जीना नीचे तो आग लगा हुआ, ऊपर कैसे जाएंगे? किसने कुंडी लगाया था? पता नहीं किसने लगाया, उसको भी पता नहीं, डिस्टर्ब था, उसका चाचा का लड़का ले गया हॉस्पिटल उसको दिखाने। कितने बजे तक काम होता था वहाँ पर? बारह एक बजे तक ले, दो बजे तक ले काम कराते हैं, हम लोग क्या मिलता है? कुछ नहीं, हफ्ते में 2,000-2,500 रुपए कमाते हैं कारीगर लोग वहाँ पे जो काम करते हैं, बैक कितना कमाई होता है? कुछ भी नहीं, हम लोगों को तो कुछ भी सुविधा नहीं है। चलिए हम दीपक के पास चलेंगे क्योंकि जो इनके सवाल है वो वाजिब है, उनका हम जवाब तलाशेंगे। हम पहले जावेद के पास चलते हैं जो LNJP अस्पताल में मौजूद है। जावेद, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं और कितने लोग वहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए हम LNJP के बाहर मौजूद हैं, अभी हम एक परिजन से बात कर रहे थे, वो यहाँ आए थे अस्पताल में, उनका कहना था कि उनके चचेरे भाई यहाँ पर एडमिट थे लेकिन उनकी मौत हो गई। बिजनौर का परिवार वो रहने वाले हैं और सुबह 5 बजे उनकी यहाँ बात हुई थी। दोबारा बात कराने की कोशिश करते हैं अगर बात हो पाए यहाँ पर। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको लगता है ये बुरे क्या क्या ऑर्डर किया गया है उससे आपको राहत मिलेगी? सर अब जो हो गया वो तो हो गया, तो मर गया हमारा भाई, थोड़ा जाया कोई वो क्या करेंगे नहीं तो लोग, इतना तो ड्रामा ही होता हर साल का। ये बताइए सुबह क्या बात हुई थी, आप बता रहे थे कुछ बात हुई थी आपकी सुबह में, सुबह में कुछ बात फोन पे बात हुई थी, क्या आपने कहा था सुबह में आपकी बुरे सुबह में आपकी बात हुई थी, आपने क्या कहा था? मैंने उससे ये कहा था, मैंने उसको बोला आग लगी भैया, इसको तो मैंने कहा वो पकड़ लीजिए कुछ जाम चले अपनी। अच्छा लेकिन क्या वो कूदा नहीं कूदा? अस्पताल आए हैं यहाँ, क्या पता चला है आपको? डेथ होगी उसकी, पता लगा है। अच्छा मौत होगी, कहाँ का रहने वाला परिवार, परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार तीन बच्चे हैं, उसकी बीवी है, माँ है, उसकी बहन है। अच्छा तो क्या अस्पताल क्या कह रहा है, कब शव सौंपा जाएगा? अभी उनसे मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, बोले आज तो नहीं कल हो पाएगा। तो इस बात का दुख है कि सुबह उस वक्त बात हुई थी आपकी 5 बजे और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वो नहीं रहे। तो सर दुख तो होगा, अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो देखिए ये परिजन हैं, इनका नाम भूरे, इनके एक भाई थे मुशर्रफ जिनकी मौत हो चुकी है। और सबसे दर्दनाक ये है कि जिस वक्त आग लग रही थी सुबह 5 बजे इनकी अपने भाई से बात हुई थी और इन्होंने कहा था कि अगर कूदना मुमकिन हो तो कूद जाए, लेकिन क्या हुआ वो सब जानते हैं। अस्पताल वो पहुंचे हैं, यहाँ उनकी मौत हो चुकी है। ये एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि उनको दिखा दिया गया है जो इनके भाई की मौत हुई है। तो ये दर्दनाक कहानियां अस्पताल के बाहर से सामने आ रही हैं। बिल्कुल हर एक नई कहानी सुनने को मिल रही है जावेद, और बेहद दुखद है, दर्दनाक है और ये बड़ी विडंबना है कि इन हादसों को रोका नहीं जाता है। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, मेरे पास लोग भी मौजूद हैं, आप सुबह से स्पॉट पर हैं, आप जानकारी पहुंचा रहे हैं। जो लोग मौजूद हैं उनमें कईयों के अपने हैं। ये हमारे साथ है आरिफ, जिन्होंने उस फैक्ट्री में काम किया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक साल पहले भी आग लगी थी और इस घटना को छुपा दिया गया। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर जाँच होगी, लेकिन आप जरा ये बताइए कि क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि लोगों को अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जो घायल है किस स्थिति में है, क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए सबसे पहले सवाल ये है, अभी भी हम भी यही चीज तलाश रहे हैं, क्योंकि जितने लोग उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, जितने भी मजदूर थे, उन लोगों के घर वालों तक जानकारी अब इसलिए जा रही है क्योंकि टीवी के माध्यम से लोगों तक अपना समाचार जाने के बाद वो देख रहे हैं और अपने अपनों को फोन मिलाकर जानकारी जुटा रहे हैं। जिसका फोन नहीं लग रहा है तो उसके बाद उन्हें शंका हो रही है कि शायद वो दुशासन है, और यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लोग जो कर्मचारी हैं वो बात नहीं करना चाहते, फैक्ट्री के मालिक अंदर से यहाँ से बंद कर चुके हैं दरवाजे को। साथ ही सबसे अहम चीज यह है, जो फैक्ट्री मालिक है रेहान, जो अभी तक फरार है, पुलिस का कहना है कि उसका पता लगाया जा रहा है, क्योंकि जब वो मिलेगा उसके बाद उससे जानकारी क्योंकि जितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उनके बारे में जुटाई जानकारी को जुटाना बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की भीड़ दिख रही है। हमें जानकारी दे रहे थे क्योंकि यही सवाल खड़ा हो रहा है, जो फैक्ट्री के मालिक है रिहान, उस तक पहुँचने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आपने सुना था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया क्योंकि MCT पर लापरवाही थोपी गई, और जो ये इलाका है जिस इलाके में हम मौजूद है, सब्जी मंडी इलाका है, जो आप मेरे पीछे लोग देख पा रहे हैं, दरअसल लोगों का हुजूम है यहाँ पर, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए।
मेरे को तो इस बारे में ज्यादा आग के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर जो हालात है वो ठीक नहीं है। घरों में या जो जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं सब ऐसी चल रही है। बिहार के लोग काम करते हैं। मैम कल भी आग लगा था, चमलियान रोड है वहाँ भी लगा था कल आग। अब मैं इस एरिया में ना रोटी लाने जाता हूँ शाम के टाइम में, ये हमारे लिए बहुत दुखदायक वाली बात है। मन में लग रहा है, आंसू जैसा मन बन रहा है, ये इतने लोगों की मौत हो गई, बहुत बड़ी। सरकार को इसके लिए कोई सहायता करना चाहिए। सबसे पहले कोई ना कोई जानकारी, हर आदमी जो जिसका आदमी मरा है चाहे कुछ दिक्कत हुआ है तो उसके लिए कोई ना कोई सुविधा दीजिए। क्योंकि ये आरएफ है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिनके 10 लोग अपने हैं जो अभी तक गायब है, उनके बारे में इनको कुछ भी सूचना नहीं मिली है। सुबह से बहुत ज्यादा परेशान है, इन्होंने इस फैक्ट्री में काम भी किया है। एक आपने दो कितने समय तक काम किया? लगभग 3 साल तक हमने काम किया वहाँ पे। 3 साल तक काम किया जी। और उस वक्त कैसा माहौल था, क्या कभी फैक्ट्री मालिक आप लोगों से मिलने आते थे, हालचाल जानते थे, आपकी परेशानियां जो होती थी? फैक्ट्री मालिक जैसे छोटा मोटा काम करने वाला फैक्ट्री वाला, जैसे 5-6 मशीन चलाया और वो फैक्ट्री वाला है, वो बड़ी कंपनी नहीं। जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी और जांच से मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर वहाँ पर फायर की एनओसी की परमिशन नहीं थी तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब होटल में भी आग लगी थी वहाँ पर भी कई लोगों की जान गई थी, लोगों ने 5वीं मंजिल से कूदे भी थे, तो वो किसकी जिम्मेदारी है, सब भूल गए। हमारे को भूलना ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक हादसा जब होता है तो मीडिया उसको बहुत उठाती है, फिर उसके बाद थोड़े समय बाद जब दूसरा हादसा हो जाता है तो वो भूल जाते हैं। आज सब लोग भूल गए कि उस होटल में जो आग लगी थी, जहाँ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बारे में क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, क्या आरोपी अरेस्ट हुआ था, या फिर जिन ऑफिसर्स ने एनओसी नहीं दी थी क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ जांच से ज़्यादा एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम मजिस्ट्रेट जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं, लेकिन गौतम लगता है मैंने कहा कि सब भूल जाते हैं एक बार आग लगने के बाद, क्योंकि वहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ ऐसी छोटी छोटी जगहों में चल रही थी जो कि अवैध भी थी, उसका कुछ पता ना कुछ ठिकाना। तो आप गौतम गंभीर को सुन रहे थे, गौतम गंभीर का कहना है कि जांच से ज्यादा एक्शन जरूरी है। और इस वक्त जितने भी लोग हमारे पास मौजूद है वो यही कह रहे हैं कि इस बार कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर बार जांच का झुंझुना, हर बार जांच की बात होती है, जांच होती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हादसे रोके नहीं जाते हैं। हम चलते हैं, लेबर मिनिस्टर से मिले हैं, लेबर डिपार्टमेंट से मिले हैं कि कम से कम फैक्ट्री एक्ट की जो सेफ्टी मेजर्स है लागू कीजिए, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। हमारे देश में मजदूरों की जिंदगी की कोई मूल्य नहीं है। मैम ये दिल्ली में ये पहला इंसिडेंट है, हर साल 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। हमने एक मेमोरेंडम तैयार करके हमने दिया था पिछले साल, 6 घटनाओं में दिल्ली में 100 सुपर मजदूरों के देहांत हुए, और हम लोगों ने वो मेजर्स बताए जो कानूनी है, जो करना चाहिए, आज तक नहीं हुआ। मैंने बताया ना, क्योंकि इनका कोई पहचान नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बस मजदूर का श्रम उसको कैसे लूटूं,